रात 12:30 बजे करीब लिविंग रूम में सभी को अलविदा कह के आया। अनिका बिस्तर से नीचे उतरी, कबीर के पैर छुए और प्रणाम किया। कबीर ने अनिका को उठाया और बिस्तर पर बैठा दिया। कबीर ने अनिका से कहा, आज हमारी सुहागरात है, हर किसी की तरह ये हमारे जीवन में एक अविस्मरणीय रात है। मुझे आज आपसे कुछ कहने की उम्मीद है, अच्छे से सुनो। कल तुम एक लड़की थी, आज तुम किसी की पत्नी हो। आज से आपकी कई जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने परिवार की सहमति से शादी की है, इसलिए शायद हमें एक दूसरे को जानने के लिए कम समय मिला। फिर भी आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। जब से तुमने मुझे अपना दूल्हा स्वीकार किया है, मुझे लगता है कि तुमने मुझे अपने योग्य बनाया है, और यदि कोई मुझे अपने योग्य बनाता है तो वो मेरे माता पिता है। मुझे आशा है कि आप उनका सम्मान करेंगे, उन्हें अपने माता पिता समझेंगे। उन्होंने मुझे आपके योग्य बनाया है, अर्थात वो मेरे बहुत योग्य है, इसलिए वो उम्र के कारण क्रोधित हो सकते हैं। फिर भी आप उनके सामने अपना सर झुकाएंगे और धीरे से बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। आपको अपने गर्व से सर झुकाकर स्वीकार करना होगा कि आप गलत हैं। इसका मतलब है कि आप हारे नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप बदल गए हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर वो कभी आपसे नाराज नहीं होंगे। अगर आप अपने माता पिता को दिल से प्यार करते हैं तो ये आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, जो बेशकीमती है। आपको खाना बनाना है, जब माँ खाना बनाती है तो आप माँ के पास जाओ और कहो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे सिखाओगे? माँ खुश होंगी, शायद वो कहेंगी, तुम्हें खाना नहीं बनाना है, तो माँ भी खुश भी होंगी। शाम को अगर तुम उन्हें चाय बनाकर दे दोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मैंने सुना है कि सभी भाभी ननद देवरानियों को आपस में नहीं बनती, आप इस विचार को बदल देंगे। मेरी कोई बहन नहीं है, बुआ की, फूफा की, मामा की, चाचा की बहनें 6 महीने बाद आ सकती हैं और 7 दिन यहीं रह सकती हैं। इन 7 दिनों में आप उन्हें अपनी बहन के रूप में दुलारेंगी, ताकि अगली बार वो फिर से आए। मेरा एक बड़ा भाई है जिसने मेरे पूछने से पहले मेरी कमियों को पूरा कर दिया। मुझे आशा है कि आप उसे भी अपने बड़े भाई के रूप में देखेंगी। यदि आप अपने भाई से कुछ मांगेंगी तो वो आपसे खुश होगा, और भाभी ने तो तुम्हें बहन बना ही दिया है। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, पूरा दिन उनके साथ समय बिताना, दुलारना, आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। अर्थात सब कुछ प्रेम से जीता जा सकता है, हिंसा से नहीं। हर कोई आपको उतना ही प्यार देगा जितना आप देंगे। सभी को प्यार करो, और अगर तुम इतना करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई बुरा नहीं रखना चाहेगा। और एक लड़की के लिए अपने पति की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा करें जिससे ये घर स्वर्ग जैसा लगे। कुछ कहना है तो कहो। अनिका कबीर को जब देखती है, तब कबीर ने देखा अनिका रो रही है। कबीर ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? अनिका ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मैं कह रही हूँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है तुम्हारे जैसा पति मिलना। कबीर ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हमें बात करते करते सुबह हो गई है। अगले दिन से शुरू हुआ एक शांतिपूर्ण परिवार। मेरे माँ को बहू नहीं मिली, उनको एक बेटी मिली। मेरे अलावा घर में सब दिन भर मेरी पत्नी के साथ व्यस्त रहते हैं।